सतगुरु प्रसाद मैं मन तेरे टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरे टेक अवर सियानपा बिरथिया प्यारे, राखन कौ तुम एक मैं मन तेरे टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक अवर सियानपा बिरथिया प्यारे, राखन कौ तुम एक रहाओ सतगुर पूरा जे मिला प्यारे, सो जन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्व कला भरपूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्व कला भरपूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेशुमार अथह अगनत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। परम सन्मान सत्कार योग गुरु खालसा गुरु सवारे गुरमुख सतसंगियो, सतगुरां दी अपार मेहर बख्शिश कृपा है जो आप जी धन गुरु रामदास गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी दे पवित्र अस्थान सचखंड श्री दरबार साहिब हरिमंदर साहिब जी दियां हाजरियां भर के दर्शन करके इशनान करके अपना तन मन निर्मल कर रहे हो। पावन पवित्र अस्थान मंजी साहिब तो अज दा जो धन गुरु रामदास पातशाह दे दरबार तो बख्शिश कीता होया मुख वाक जिस दे आरंभता दियां पंक्तियां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है, इस दी विचार दे नाल आओ सांझ पाईए। गुरु रामदास पिता महाराज कृपा करन साढ़े सारे दर आयां दे सिर ते अपनी मेहर बख्शिश भरिया हाथ रखन, ताकि सानू सतगुरां दी दसी जुगत अनुसार जीवन जिउंदिआं होइआं जीवन सफल करन दा ढंग आ जावे, गुरु दी कला वरत जावे, प्रेम दे नाल गुर शब्द दी पावन हुक्मनामे दी विचार दे नाल सांझ पाण तों पहलां मन दी एकाग्रता अते टिकाओ वास्ते करो उचारण सतनाम वाहे गुरु।
फिर आखो जी सतनाम वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। राग बिलावल महला पंजवा, घर दूजा यानड़िए कै कर गावना। राग बिलावल दे विच सतगुरां ने अज दा पवित्र मुख वाक बख्शिश कीता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 802 उपर सुभाए मान है। और घर दूजे दे विच ते नाल ही एक होर इशारा कीता है, जानड़िए कै घर गावना। घर दे रारे नू सिहारीए, जिहदा मतलब घर विच। जानड़िए कै घर गावना दा मतलब है, इस शब्द नू गायन करन दी हदायत दित्ती ने हजूर सच्चे पातशाह जी ने कि इहनू उवें ही गायन करना है जिस तरह यानड़िए मानड़ा काहे करे ही शब्द तिलंग राग दे विच गुरु देव पिता गुरु नानक साहिब महाराज जी का 722 अंग उपर सुभाए मान है, उहदे वल इशारा कीता है कि उवें ही इस नूं गायन करना है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आरंभ दे विच सतगुरां ने मूल मंत्र उचारण कीता है इस शब्द नू, इस वाक नू आरंभ दे दौरान। ये संखेप रूप दे विच मूल मंत्र है। पंज प्रकारां ने मूल मंत्र दियां। संपूर्ण मूल मंत्र दे अंदर एक एक अक्षर जो सतगुरां ने उचारिया है, इहदा मतलब उही है। पर साहिब जी ने इत्थे संखेप दे विच उचारण कीता है। अर्थ भाव उहियो ने जो संपूर्ण मूल मंत्र विच बख्शिश कीते ने। अकाल पुरख एक है, अदुत्ती है, एक ओंकार है, सर्वव्यापी है, सारियां थावां ते सुभाए मान है। कोई ऐसी जगह, कोई घट, कोई थान नहीं है जिथे उहदा वास नहीं है। घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार, साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। एकम एकंकार निराला, अवर अजोनी जात ना जाला। सर्व व्यापक है, सत नाम है, उहदा नाम सदीवी है, सृष्टि का रचनहार है। सारे संसार नू करता पुरख उस परमात्मा ने रचिया है, बनाया है, कोई होर रचन वाला नहीं है। निरभउ है, भय तो रहत है, किसी का उन्हू भय नहीं है। क्योंकि भय तां होवे जे उहदे नालों कोई वड्डी शक्ति, कोई वड्डी ताकत होए। वो आप ही सारियां ताकतां दा मालक है, सारी समर्था शक्तियां उहदे कोल हन। इस करके निरभउ है, निरवैर है, ते ना ही उहदा किसी नाल वैर है, किसी नाल वैर नहीं है। और अकाल मूरत है, उहदी मूरत नाश रहत है। जिवें असी हाँ, असी सारियां है ते मूरतां ही ना, उहदियां साजियां रचियां बणाईयां। पर साडा जन्म भी है ते मरण भी है। एक गल याद रखियो, जिहड़ा जन्म मरण दे विच है ना, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
केवल ओदी वड्याई जिहड़ी है उसनू ही शोभदी है, ओदे शब्द वड्याई दे जिहड़े ओदे वास्ते ही जिहड़े शोभनीक ने, किसे बंदे व्यक्ति वास्ते नहीं, ये शोभ दे शब्द है। तो पातशाह आखदे ने कि ओ अविनाशी है, अकाल मूरत है, जन्म मरण तो रहत है, नाश रहत है, अजूनी है, जन्म लई नहीं ना, सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी। ये गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी ने बड़ा सोहना समझाया है सानू। सगली थीत डार पास राखी, अष्टम थीत गोविंद जनमासी, परम भूले नर करत कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। कहिंदे ने भरम दे विच भुले होए लोग कच्चियां पिल्लियां गल्लां करदे ने कि अज भगवान दा जन्म होया है। वो कहिंदे ओ भलिओ जन्म मरण ते रहत नारायण, वो वाहिगुरु जन्म मरण तो रहत है। कर पंजीर खवायो चोर, ओ जन्म ना मरे रे साकत ढोर। ते हजूर कहिंदे ने ओ जबान ही चल जावे जिहड़ी कहिंदी ये ठाकुर जन्म लैंदा है, अज ठाकुर जी दा जन्म है। सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद को नंदन काको रे, कबीर को ठाकुर ऐसो स्वामी, चाके माई ना बापो रे। वो ते कबीर साहब कहिंदे ने मेरा ते ठाकुर, मेरा मालिक ते ओ है, जाके माई ना बापो रे, जिदा ना माँ ते ना कोई बाप है, अजूनी है, सहपंग है। जे ओ जूना तो रहत है, जन्म मरण तो रहत है, ते मूल मंत्र दे अंदर महाराज ने समझाया है कि वो अपने आप तो ही प्रकाशमान है। सहपंग शब्द दो ने, स्वयं ते भू, संस्कृत दे शब्द। स्वयं दा मतलब सेल्फ, अपने आप तो, भू दा मतलब है प्रकाशित होना। वो अपने आप तो ही प्रकाशमान है, उन्हूं किसी ने प्रकाशमान नहीं किया, किसी ने जन्म नहीं दिता, ना उदा पिता ना उदा कोई माँ है, वो अपने आप तो ही सहभंग है, स्वयं भू अपने आप तो ही प्रकाशमान है। ऐसा प्रभु हजूर कहिंदे ने, ऐसे मालक दी सोझी, ऐसे प्रभु दा ज्ञान गुर प्रसाद गुरु दी कृपा दे नाल प्राप्त हुंदा है। मैं मन तेरे टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरे टेक। महाराज धन गुरु अर्जन देव पिता महाराज सानू अबोध जीवां नू, अलपग जीवां नू समझाउंदे ने, कहिंदे ने भलिओ आ जिहड़ा मूल मंत्र दे अंदर परमेश्वर दी रूप रेखा दसी है, एहो जिहा है। ये जिहड़ा ज्ञान संखेप शब्दां विच हजूर ने प्रारंभ दे विच दसिया है, कहिंदे ने इहदी टेक लिया जे, इहदा ही आसरा लिया जे। होर टेकां, टेक दा मतलब है आसरा, होर आसरे परने ना लभदे फिरिया जे संसार दे अंदर। ये सब नालों वड्डा, सब नालों पहला ते सब नालों आखरी आसरा जे। इस तो इलावा होर आसरे परने जेड़े ने सब भज नस जाण वाले ने, सब खत्म हो जाण वाले ने, ये आसरा नहीं खत्म होण वाला। बाकी कहिंदे ने ना हजूर, जा को मुश्किल अत बने ढोई, कोए ना दे लागू होए दुश्मना, साक भे भज खले। साक भी भज खलोंदे ने जदों साढ़े दुनियावी मुश्किल कोई आ जावे, संसारी समाजिक जीवन दे विच कोई एहो जिहा समा आ जावे, ते सब आसरे परने जेड़े ने भज जांदे ने, दौड़ जांदे ने। सज्जन मित्र भी जिन्हां दे असी बड़ा माण करदे हां, सारा सारा दिन अपना टाइम वेस्ट कर दिंदे हां जिन्हां दे नाल, दिन 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 भर भी ते रात नूं भी एक एक दो दो ढाई ढाई बजे तक महफलां सजाउंदे हां, फिल्मां देखदे हां, गंदे मंदे कम करदे हां, सारी अपनी एनर्जी जिहड़ी है वेस्ट कर दिंदे हां। ओह भी जदों भीड़ा बणदी है ना, जदों दुख की घड़ी आउंदी है, नस जांदे ने। हजूर कहिंदे ने जिन्हों अत दी मुश्किल पै जावे, जां को मुश्किल अत बने ढोई, कोए ना दे, कोई ढोई ना देवे। ढोई दा मतलब आसरा देना, बाँ फड़नी, कोई बाँ ना फड़े, कोई आसरा ना देवे। लागू होए दुश्मना, दुश्मन लागू हो जान, साक भे भज खले। हजूर कहिंदे ने साक रिश्तेदार भी भज जान, भज खलोण, भज खले, सबो भजे आसरा
कहिंदे याद रखियो सारे ही आसरे भज जाण, सारे ही आसरे खत्म हो जाण, कोई मन दे विच होर ऐसा दुनियावी तौर दे उपर आसरा परना नजर ना आवे। सबो भजे आसरा चुके सब असराओ, चीत आवे उस पार ब्रह्म ता लगे ना तत्ती वाओ। पर जे ओ पार ब्रह्म चित आ जावे फिर तत्ती वा नहीं लगती। जे हजूर कहिंदे ने, गुरु तेग बहादुर महाराज कहिंदे ने, कहिंदे ने रे मन ओट लेहो हर नामा। कहिंदे ने ओट लैणी है, आसरा लैणा है, ते ओदा लवी जिहदा आसरा पंचाली ने लिया सी परम पिता परमात्मा दा, ते उस दे पढ़दे कज्जे सन। ओदा लवी जिस दा आसरा पता नहीं कितने कितने गए गुजरे एहो जे संसारी जीव जेड़े सन, जिन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे अंदर कीता है, अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुरमत निस तरे त्यों तू क्यों ना तरे रबदास। कहिंदे ने उहदा आसरा लवी जिहड़ा सारिआं दा ताण है, जिहड़ा सारिआं दी ताकत है, उस मालक दा आसरा लईए ते फिर कहिंदे ने किसी होर आसरे की जरूरत नहीं पैंदी। जिथे वो परमात्मा आ खड़ता है उथे किसी होर तकीए ताण की लोड़ नहीं रही। इस करके आसरा महाराज कहिंदे ने परम पिता परमात्मा का लैना है। मेरे मन दे विच भी हजूर कहिंदे ने, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्रभु, मेरे मन दे विच तेरी ही टेक है, तेरा ही आसरा है, मैं मन तेरी टेक। दो बार दोहराया है महाराज ने एक पंक्ति दे विच, हे मालक मैनू तेरा ही इस संसार दे विच आसरा है। अवर सियानपा बिरथिया प्यारे राखन कौ तुम एक। एक परम पिता परमात्मा दा आसरा छड के होर मन दियां चलाकियां ते चतराइयां करनियां जेड़ियां ने बिरथियां प्यारे, हे प्रभु सब व्यर्थ ने, सब बिरथियां ने। रखण वाला केवल तू एको ही है, तेरे जिहा समर्थ होर दूजा कोई नहीं है। राखन कौ तुम एक, तू ही एक रखण वाला है हर थां ते सानू। इस करके महाराज कहिंदे ने कोई एक गल याद रखियो, आ साडे वड्डियां बजुर्गां दी ये साढ़े उपर देन है। असी देखते आ रहे हैं अपने घरां दे विच कोई काम होवे, कारज होवे, व्याह होवे, शादी होवे, किसे ने दुकान खोलनी होवे, किसे ने नौकरी दी आरंभता करनी होवे, या कोई होर कारोबार आरंभ करना होवे, काम काज आरंभ करना होवे, किहदा आसरा लैने आ असी। साडे बजुर्गां ने सानू सिखाया गुरु दा आसरा लैणा। धर जीए रे इक टेक तू लाहे बिडानी आस, होर आसा छड़ दे, बिडानी दा मतलब होर, एक दा आसरा लै, एक दे अगे। तेरे मन दी कोई भी बेनती है, कोई भी मन दी आस है, किसी भी तरह दा मन दे अंदर ख्याल है, कुछ भी करना चाहुंदा है तू, इक्को ही तेरा आसरा है। गुरु घर की मर्यादा के अनुसार एको ही सारे संसार नू, एक ही नहीं खाली सानू सिखा नू ही महाराज ने कहा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा सब का सांझा है। इस करके सारे दुनिया के जीवों नू दुनियावी आसरिया नू छड़ के कोई ज्योतिषियों के कोल जाता है, उदे को उन्हां दे कोलों समा तय करता है, लैंदा है किहड़ा समा वधिया है किहड़ा घटिया, सारे दिन रात परमात्मा दे बनाए हुए ने। कोई दिन ऐसा नहीं कि असी कहिए कि अज खास है, आ घड़ी आ पल बहुत वधिया है, ऐस घड़ी पल ऐस घंटियां इन्हां समयां दे विच ऐस दिन दे उपर वीरवार बुधवार दिन असी आरंभ करांगे अपना काम, अपना कारज, अपने धी पुत्र दा विआह, ते तां सफल हो जाएगा। नहीं,
हजूर दे दिन भी ओदे बनाए, रातां भी ओदियां बनाईयां, जदों दिन रात सब कुछ ओदे रचे बनाए हुए ने, तां फिर हजूर ने कहा ओदा ही आसरा लो, किसी होर नू पुछण दी थां दे उपर, किसी सियाने नू लभण दी थां दे उपर, कहिंदे सब गल्लां छड्ड दिओ। इतिहास का एक बचन है, सिख अनन पंडित दिज ऐसे, गृह थित वार ना माने कैसे। ये साढ़े घर की मर्यादा है, कहिंदे उह ना किसी ग्रह नू मनाउंदे ने, ना किसी ज्योतिषी नू पुछदे ने, ना किसी पंडित दे कोल जाके टेवा बचाउंदे ने भी हुण पुत दा विआह करना है, पत्रियां मिलानियां ने, कुछ नहीं जे करदे। ये इतिहास च लिखिया होया है, सिख अनन पंडित दिज ऐसे, गृह थित वार ना माने कैसे। ना ग्रहां नू मनदे ने, ना थित्तां नू, ना वारां नू मनदे ने। हुण तुसीं अपनी छाती ते हथ रख के विचारे आ जे असीं किन्ने कहां। गुरु रामदास दे दर ते मत्था टेकण वाले, रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब जी नू सिर झुकाउण वाले, जिहड़े असीं ये गल्लां नहीं करदे, किन्ना कु भरोसा है, किन्ना कु विश्वास है। बहुत घट होणगे ऐसे गुरसिख जिन्हां दा केवल गुरु ही आसरा है, वह गुरु दे कोल ही अरदास बेनती करदे ने, नहीं तो बहुत ऐसे ने जिहड़े थां थां ते पए फिरदे ने, जिन्हां दी हालत द्वार है द्वार, स्वान ज्यों डोलत नह सुध, राम भजन की वाली है, दर दर ते ठोकरां खांदे फिरदे ने, थां थां ते पुछदे फिरदे ने। नहीं प्यारिओ, अपने बजुर्गों वल वेखो, अपने वड्डियां वल वेखो, साढ़े वड्डे जिन्हां दियां कमाइयां दे सदके अज असी गुरसिख हाँ, उन्हां दा वल देखो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने गुरु का भरोसा सी, उन्होंने गुरु का आसरा सी। भावें जंगा युद्धा दे समय सन, कैसे भी समय सन, उन्हां दा इक्को ही आसरा सी, गुरु ग्रंथ साहिब। उस तो इलावा होर किसी वल नहीं सन देखता। अज साड़ी हालत जड़ी है, थां थां दे उपर फिरन वाली उस कुकर वाली हो गई है, जिदी एक थां ते तसल्ली नहीं हुंदी, दूजे थां ते जांदा है, तीजे थां ते कसी किसी दरवाजे ते खलोंदा, कदी किसी दरवाजे ते खलोंदा है, ऐदां दी हालत बन गई है। तो फिर जेड़े एहो जे हुंदे ने ना, तो उन्हां दा फिर तसल्ली किते भी नहीं हो सकती। घर घर का प्रौहना जड़ा है ना, वह कित भी नहीं रज पाँगा। ये साढ़े सियाने कहिंदे ने, जिहड़ा एक नाल जुड़ जाए, एक घर का बन जाए। गुरु तेग बहादुर महाराज के बड़े प्यारे बोल ने, हजूर कहिंदे ने, स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान, तजत नहीं नित। कहिंदे ओ कुकर ना बनी, ओ कुत्ता ना बनी, जिहड़ा थां थां ते मूँह मारदा फिरदा है। एक मालक दे घर दा बन के कुकर, एक रब दा, एक गुरु दा बन के रवी, क्योंकि उन्हूं फिर तेरा ख्याल जड़ा है उन्हें रखना है। जिवें असी घर दे विच देखते हाँ समाजिक जीवन दे विच, कि उन्हूं जो लोड़ पूर्ति हुंदी है, मुहैया की जाती, उहदे मालक वल्लों, जिस मालक दे घर दे विच उहदा कुत्ता रखिया बन्निया हुंदा है, असी सारे तो उहदे कुकर हाँ, उहदे घर दे। हम कुकर तेरे दरबार, कबीर साहब महाराज ने कहा है। फिर वो बन के रहीए, इधर उधर झाक छड दईए, थां थां दी झाक छड दईए। खसम छोड़ दूजे लगे, डुबे से वणजारिया। वो वणजारे डुब जाते ने, जेडे एक खसम नू छड के दूजे दे लग जाते ने। एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए, गुरु अंगद देव महाराज इस घर दे विच आए, गुरु नानक दे चरणा दे नाल जुड़ गए, मुड़ के पिछा भौं के नहीं वेख्या। की करदे सन वो पिछले जन्म दा जड़ा सी ना, सब मिटा दिता। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, पिछले जन्म च देवी दे भगत सन, अपना जन्म खत्म कर दिता, रब दे भगत बन गए, परमेश्वर दे भगत बन गए। पिछले जन्म च जेड़े कर्म कांड किते छड दिते, उन्हां नू नाल नहीं रखिया। गुरु दे घर दे विच आके गुरु दी सिख्या, गुरु दी मनाओत, गुरु दी जीवन जुगत अपनाई, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलीए। गुरु ने जो किया वो कीता, सिख दा धर्म है, कर्म है, जो गुरु कहिंदा है वो करना, उहदा जीवन सफल हो जाता है जिहड़ा ऐसे कर्म करता है। तो महाराज कहिंदे ने,
इस तरह करते हैं होया असी जो जीवन जीवांगे अपने बजुर्गों वल देखांगे अपने सिख इतिहास के वेखांगे किन्ने ऐसे गुरसिख ने जिहड़े गुरु के भरोसे ते विश्वास वाले सन जिन्हां ने कदी अपने मन च दूजे का ध्यान ख्याल तक नहीं सी लिआंदा। मैं इतिहास की गल कर रहा सी गृह थित वार ना माने कैसे ना वह ग्रहां नू ना थितियां नू ना वारां नू मनदे ने किसे शगन अपशगन के चक्कर दे विच नहीं पैंदे। एक भरोसा प्रभ का पाए एक प्रभु का भरोसा पा के एक भरोसा प्रभ का पाए त्याग लगन अरदास कराए। लगन शगन छड़ के की करते ने जी अरदास कराए अरदास करते ने आप करते ने जा गुरु के सिखा सेवकां सेवादारां नू कहिंदे ने मेरी अरदास कर दियो मेरे बच्चे दे विआह दी अरदास कर दियो कारज सफला हो जाए साढ़े इस काम की अरदास कर दियो मेरी अरदास कर दियो भाई आप अरदास करिए ये साडा रस्ता है। त्याग लगन अरदास कराए एक प्रभु का भरोसा पा करके ये सानू मार्ग दसिया गया है। एक भरोसा प्रभ का पाए त्याग लगन अरदास कराए। ते रहाओ दियां पंक्तियां च गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी ने सानू अवर सियाणपा बिरथियां प्यारे होर सियाणपा जिहड़ियां इन्हां सियाणपा दियां गल्लां करदे ना जिहड़ियां असीं अपणियां साडे घर दे विच कई कह दिंदे ने गवांढी कह दिंदे ने बाहरों आण के कई कह दिंदे ने तुसीं इह नहीं कीता तुसीं इह नहीं कीता नहीं बाणी पढ़ीए शब्द पढ़ीए गुरु दा सानू सब कुछ मार्ग रस्ता जिहड़ा गुरु दसण वाला है। तो पातशाह कहिंदे ने बाकी सियाणपां बिरथियां ने भाई रखण वाला जिहड़ा रखिया करन वाला बस इको ही परमात्मा है इको ही वाहिगुरु है उहदी टेक उहदा ही आसरा मैं लिया है मेरे मन दे विच उस तो सवा होर किसे दा आसरा नहीं है। सानू भी यही कहना चाहीदा है कि हे प्रभु मैनू भी तेरा ही आसरा है प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाऊं बारे मैं तेरे तो बलहार जांदा हाँ तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही मेरे परवारे। मेरी ओट मेरा बल मेरी बुद्धि मेरा धन मेरा सब कुछ हे मेरे वाहिगुरु जी हे मेरे मालिक जी तुसी ही हो तुहाडे तो सवा मेरा कोई नहीं है। जिदन धानक रूप अख्तियार किया गुरु नानक देव पिता महाराज जी ने साढ़े वर्गे जिन्हों धन पदार्थ चाहिए सन लै लै के अपने घर चले गए पिछे हजूर दे पिछे कौन रहे बाबा बुढ़ा जी दुनी चंद जी ते सब नालो अगे भाई लैणा जी उन्हां दे अनन सेवक हजूर ने डंडा दिखाया यही साखीकार कहिंदे ने ना ते आखिया तुहानू की चाहिदा है जिन्हां धन माया दौलत चाहीदी सी उह घरां लै गए दसो तुहानू की चाहिदा है डंडा दिखाया डरे नहीं कहण लगे महाराज भावें डंडे मारो भावें लत्तां मारो कसुन मारो जो मर्जी करो तुहाडा पिछा नहीं छड्डण वाले। महाराज कहण लगे फिर तुहानू की चाहिदा है दसो कहण लगे मेरा घर भी तुसीं हो मेरा धन भी तुसीं हो मेरा सब कुछ तुसीं हो दसो मैं तुहानू छड्ड के कित्थे जावां। हजूर ने कहा कहन लगे सच्ची मुची तू मैनू अपना घर समझदा है लैणा जी नू कहा मैं तेरा घर हाँ मैं तेरा धन हाँ नहीं फिर सोच लै धन चाहिदा है दे देंगे हीरे मोती चाहिए लै गए ने साडे वर्गे बड़े लेंदे ने अरदासां कराउने आ रोज़ जो मिलता है जो लैके घर चल जाने कोई विरले ने जेडे गुरु नू चाहुंदे ने जेडे कहिंदे ने गुरु मेरा सब कुछ है तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही तू ही मेरी ओट मेरी बल मेरी बुद्धि मेरा धन मेरा सब कुछ तू ही है। यही गल कही सी कहन लगे जिन्हां दे घर सन वह अपने घरां नू धन दौलत लैके चले गए मेरा घर ते हे सच्चे पातशाह तुसी हो दसो मैं तुहानू छड्ड के कित्थे जावां। महाराज ने गल दे विच लै लिया गुरु नानक साहिब जी ने भाई लैणा जी नूं गल च लै लिया कहण लगे जे तू मैनूं अपना घर समझदा है तो मैं भी अपना घर लभदा पिया सी अज तेरे रूप दे विच मैनूं अपना घर मिल गया है। जे सिख गुरु नूं अपना घर समझदा है अपना सब कुछ समझदा है तो गुरु प्यारे
गुरु भी सिख तो बलहार जाता है, उन्हूं अपनी गलवकड़ी दे विच लै लैंदा है, अपना आपा उहदे विच टिका दिंदा है। यही गल जिहड़ी है वो समझण वाली है, जिहड़ी सतगुरां ने सानू भरोसा विश्वास आसरा इस हुक्मनामे दियां आरंभ दियां पंक्तियां दे विच सिखाया है। रहाओ सतगुर पूरा जे मिला प्यारे, सो जन होत निहाला। जिन्हों पूरा सतगुरु मिल जाता है जीवन दे विच, ओ जन निहाल हो जाता है, ओ जीवन दे विच प्रसन्न हो जाता है। जिन्हों सतगुरु मिल पवे उहदे वर्गा होर दूजा कोई नहीं, जीवन विच निहाल हो जाता है। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनों होए दयाला। वाहेगुरु जिदे ते दया करदा है, मेहर करदा है अपनी, गुर की सेवा सो करे प्यारे। ये हर एक दे वस दी गल नहीं है गुरु की सेवा करनी, क्योंकि गुर की सेवा अत गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए। गाखड़ी है ना, सिर देना पैंदा है। धन गुरु अमरदास महाराज नूं पुछो किस तरह की सेवा है, ये उन्हां दे बचन ने नाल क्या भी ये मत ये गाखड़ी है, औखी है, पर ये मत समझियो कि हो नहीं सकती। निश्चा भरोसा रख के जे गुरु दे राह ते चल पईए, सिरड़ लै करके ते हो जाती है। जिदा उन्होंने कमाया, असी कहीए भी नहीं हो सकती, 70-80 साल की उम्र दे विच भी जे कोई गुरु की सेवा करनी चाहे तो गुरु आप करवाउंदा है, जिदे ते दया करता है उहदे कोलो आप ही अपनी सेवा करा लैंदा है, उहदी मेहर तो बिना नहीं हो सकती। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनों होए दयाला। जिदे ते दया कर देवे गुरु दी सेवा ओ ही प्यारे करदा है। सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्व कला भर पूरे। सतगुरु गुरदेव पिता मालक ओदी सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना होमे विच्चों जाए, होमे चली जाती है, मन चितविया होया फल मिल जाता है। सफल मूरत गुरदेव स्वामी, गुरदेव की सेवा, गुरदेव की सेवा जीवन सफल करन वाली है। सर्व कला भरपूरे, वो सारिया शक्तियां कलावां दे नाल भरपूर है, सारिया ताकतां दा मालक है। नानक गुर पार ब्रह्म परमेसर, सदा सदा हजूरे। तन गुरु अर्जन दे पिता महाराज कहिंदे ने, हे नानक आख गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरु नू केवल एक साधारण शब्दां दे विच ना लैणा, कहन लगे पार ब्रह्म परमेश्वर है। गुर परमेश्वर एको जान, गुरु ते परमेश्वर दे विच अंतर ना जानी। सिख दे मन दे विच गुरु दे प्रति इदां दी भावना होवे कि परमेश्वर है मेरा गुरु, मेरा गुरु पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, उहदा रूप है ओ। ते हजूर कहिंदे ने सदा सदा हजूरे, ओ सदा हाजर नाजर रहण वाला है। जिथे भी उहनूं सिमरांगे आराधांगे, गुणा करके विचारां करके शब्द करके, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाह ना साके जाले, गुर का शब्द वो सदा नाल रहन वाला है, सदा रखिया करन वाला है। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर सदा हाजर नाजर है। सुन सुन जीवा सोए तनागी, जिनो अपना प्रभ जाता। महाराज कहिंदे ने कि जिस प्रभु ने जिस जीव ने अपने प्रभु नूं जाता है, जाते दा मतलब है जानना पछानना समझना, जिन्ने अपने मालक नूं पछाण लिया है, जान लिया है। हजूर कहिंदे ने सुन सुन जीवा सोए तिन्ना की, सोए दा मतलब है शोभा वडियाई। कहिंदे मैं उहनां दी शोभा सुन सुन के जीउंदा हाँ। बाबा दीप सिंह जी की कमाई सुन सुन के जीने हैं ना असी, भाई मनी सिंह जी की कमाई सुन सुन के असी, शोभा सुन सुन के जीने हैं ना असी।
किन्ने ऐसे नाम हैं जिहड़े गुरु के चरणों के नाल गुरु की पारस शो दे नाल पवित्र गुरु के ही रूप बन गए हो गए उन्हां दी शोभा जिहड़ी है ना वो आत्मिक जीवन देने वाली जे जिंदगी देने वाली है। तां करके असीं गुरसिखां दीआं साखियां सुणदे हाँ, कमाई वालियां दे जीवन दे कारनामे सुणदे हाँ, जिन्हां ने सच हक दे लई लड़े ने, जिहड़े अपना जीवन गुरु दे वास्ते जीवे ने, सेवा सिमरन करदिआं कमाई करदिआं होइआं जिन्हां ने अपने जीवन दे विच पूरने पाए हैं, संगतां उन्हां दे पूरनिआं ते चलदिआं ने, उन्हां दी जिंदगी विच्चों उन्हां दीआं कहानियां विच्चों उन्हां दीआं साखियां दे विच्चों जीवन मिलदा है। आ गल समझा रहे ने सतगुरु गुरु अर्जन देव पिता महाराज, सुन सुन जीवां सोए तिन्हां की, कहिंदे ने मैं उन्हां दी शोभा सुन सुन के जिउंदा हाँ। किन्हां दी? जिन अपना प्रभ जाता, जिन्हां ने अपने प्रभु नूं जान लिया है। हर नाम अरद है, नाम वखाण है, हर नामे ही मन राता। जिन जेड़े हर नाम अरद है, अजे ओही गल चल रही है, मैं उन्हां दी शोभा सुन सुन के जी रहा हाँ, जिन्हां ने प्रभु नूं पछाण लिया है। ते इस पंक्ति च कहिंदे ने हर नाम अरादे, जिहड़े हरि दा नाम अरादे ने, अरादे दा मतलब सिमरन करदे ने, बहुवचन शब्द है, सिमरदे ने अरादे ने। नाम वखाणा, नाम दा वख्याण करदे ने, नाम जपदे ने एक मालक दा। हर नामे ही मन राता, जिन्हां दा हरि दे नाम दे विच ही मन रत्या रहिंदा है, लग्या रहिंदा है, वह रब नू छड के एक परमेश्वर नू छड के किसे होर राह ते नहीं चलते, उन्हां दी शोभा सुन सुन के मैनू जीवन मिलता है, आत्मक जीवन मिलता है, मैं जिंदा हाँ। सेवक जन की सेवा मांगा, पूरा कर्म कमावा। साहब कहिंदे ने दास सेवक, सेवक दे कक्के नू औंकड़ है, एक वचन पलिंग, कोई अपनी गल कर रहे ने महाराज, अपनी गल दे नाल सानू सारिआं नू समझा रहे ने। सेवक जन की सेवा मंगे, सेवक की मंगदा है जी? धन मंगदा है, दौलत मंगदा है, पदार्थ मंगदा है। जिहड़ा असली सेवक जे ना वो ये चीज़ां नहीं जे मंगदा, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। आ मंगदा है, सेवा मंगदा है, अपने दे दासां दी सेवा दे दिओ जी, कृपा करके अंतर जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे, मौको कर संतन की धूरे, मैनू संतां दी धूड़ बना दिओ, परमेश्वर दे प्यारियां दी चरण धूड़ बना दिओ, मेरे ते कृपा कर दिओ। सेवक जन की सेवा मांगे, हे परम पिता परमात्मा, मैं ते तेरे जना दी सेवा मंगदा हाँ, तेरे दासां दी सेवा मंगदा हाँ, पूरे कर्म कमावां, तेरी कृपा दे नाल मैं कमाई करां, मेरे भाग बन जान, मैनू तेरे दासां दी सेवा मिल जावे। नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखन पावा। धन पिता गुरु अर्जन देव महाराज, गरीब नवाज, दीन दुनिया दे मालक, गुरु नानक साहिब जी नाम दी मोहर दे नाल कहिंदे ने, नानक की बेनंती स्वामी, कहिंदे महाराज मेरी तां यही मालक दे अगे बेनती है, तेरे जन देखण पावा। हे वाहिगुरु, मैं तेरे जना दे दर्शन करा, तेरे सेवकां, मैं जावां ना किधरे भी, मैं किसे होर वल ना देखा, जिहड़े कर्मां कांडां विच लगे हन, जिहड़े भरमां दे विच पए हन, भुलेखियां दे विच पए ने, दूजी कवाटड़ी दे उपर जिहड़े पए ने, कुराए पए ने, जिहड़े भैड़े काम करन वाले ने, भैड़ कमाउण वाले ने, महाराज उन्हां दे नहीं, मेरी ते अरदास है तेरी कमाई बंदगी करन वाले, सेवा करन वाले, सिमरन करन वाले, उन्हां दे दर्शन करा। पातशाह दे भी बचन ने गुरु रामदास महाराज जी दे, तिन जन देखा नैणी, जिन्नी मेरा हर प्रभ प्यारा अराध्या, तिन जन देखा नैणी, मैं अपनी अखां नाल उन्हां नूं देखा।
असी अरदास करते हैं सही प्यारे मेल जिन्हें मिलिया तेरा नाम चित आवे उन्होंने दर्शन जिन्हें ने अपनी भैड़ी मत दूर करते महाराज का वचन है भाई जिन्हें दिसंदड़िया दुरमत वंजे दुरमत नू वंज दिता जिन्हें ने दूर कर दिता मित्र असाडड़े सही वह साडे मित्र ने ते महाराज कहिंदे ने हाउ टुडेंदी जग सबाया जन नानक विरले कई ऐसे विरले हैं थोड़े हैं पर पिता जी कृपा करो हे वाहिगुरु जी हे स्वामी जी मेहर कर दियो उन्हां जनां दे मैं दर्शन करा ओ सिमरन वालियां दे सेवा वालियां दे नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखण पावां मैं तां यही अरदास करदा हाँ तेरे जना नू तेरे दर्शन तेरे प्यारियां नू देखा गुड़भागी से काढ़ी है प्यारे संत संगत जिन्ना वासु बड़े भागा वाले वो कढ़े जांदे ने वडभागी बड़िया भागा वाले कई बार शब्द आउंदा है ये शब्द तो उहदा नासकी भी उचारण हुंदा है उत्थे हुंदा है वड्डिया भागा नाल इत्थे जिहड़ा मतलब है वड्डे भागा वाले वडभागी से कांडिए है प्यारे वह वड्डिया भागा वाले कढ़े जांदे ने कांडिए दा मतलब कढ़े जांदे ने आखे जांदे ने केड़े संत संगत जिन्ना वासो जिन्ना दे दा वास जिहड़ा है निवास है जिहड़ा वह सतसंगियां दे विच है जिहड़े निता प्रति गुर सतगुर काजो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्याए उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नहाए फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गाए बहद्या उठद्या हर नाम त्याए उपदेश गुरु हर 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 जापे सब किलविख पाप दोख लह जाए एहो जे जेड़े ने जेड़े रोज सतसंगत दे विच जांदे ने रोज नाम जपते ने महाराज कहिंदे ने ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਨਿਰਮਲ ਮਨੈ ਹੋਵੇ ਪਰਗਾਸੂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਾਧਿਆ ਨਿਰਮਲ ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੈ ਹੋਵੇ ਪਰਗਾਸੋ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਐ ਪਿਆਰੇ ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੂਕੇ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣੇ ਕਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨੌੜ ਨੂੰ ਮੁਥਾਜੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਨੌੜ ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਉ ਡਰ ਜਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਊਚ ਅਪਾਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ ਗਾਵ ਤੇ ਉਧਰਹੇ ਸੁਣਦੇ ਉਧਰਹੇ
बिनसहे पाप कनेरे। जेड़े भी तेरा गुण गाउंदे हन उन्हां दा उधार हो जांदा है, जेड़े तेरे गुणा नूं तेरी सिफत सलाह नूं सुनदे हन उन्हां दा भी उधार हो जांदा है। करन वालियां दा भी उधार, सुनन वालियां दा भी उधार, बिनसे पाप कनेरे। उन्होंने भावें जिन्ने मर्जी घने पाप कमाए होण जिंदगी दे विच, एक प्रभु की बंदगी, प्रभु का नाम, प्रभु के आत्मिक गुण ऐसे हैं जेड़े मनुख दे किते हुए पाप कर्मां नूं कट्टण वाले ने, उन्हां दे पाप कट्टे जांदे हन। पशु परेत मुगद कौ तारे, पाहन पार उतारा। प्रभु परमेश्वर दी कृपा दे नाल पशुआं वर्गी जिंदगी जीव रहे भी मनुखां दा उधार हो जांदा है। गाउण सुनन वाले, प्रभु दी सिफत वडियाई करन वाले जेड़े ने ना, उन्हां दे पाप मुक जांदे ने, नस जांदे ने। जेड़ी जिस बंदे दी जिंदगी पशुआं वाली है, पशुआं वाली की इहदी जिंदगी असीं अपने जीवन च देख सकदे हां। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, वह की ने जिन्हां दे काम पशुआं वाले ने, डंगरां वाले ने, उन्होंने डंगर ही कहांगे, पशु ही कहांगे। महाराज कहिंदे जी वह सिफत करन लग पैण, वडियाई करन लग पैण, उन्हां दा भी उधार हो जांदा है। प्रेत, प्रेत कहिंदे ने गुजर चुके ने, गए गुजरे बंदे जेड़े ने, जेड़े गए गुजरे बंदे होंदे ना जिंदगी दे विच, असीं कह दिंदे ना वह गया गुजरिया है। प्रेत का मतलब है वह गए गुजरिया बंदियां दा भी उधार हो जांदा है। मुगद कौ, मूर्खां नूं भी प्रभु दा नाम उतार दिंदा है, पार कर दिंदा है। पत्थर वर्गे जेड़े सख्त सुभाव वाले, पाहन पार उतारे, जिन्हां दा पत्थर वर्गा सुभाव है, वह पत्थर भी प्रभु की कृपा दे नाल वह सुभाव वाले बंदे भी तर जांदे हन। नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलिहारा। अखीरली पंक्ति च हजूर कहिंदे ने कि दास नानक हे वाहिगुरु, बड़ी निम्रता दे विच हजूर अपने आप नूं रख के कहिंदे ने तेरी शरणाई, तेरी शरण दे विच है। वेखो ओट तो महाराज ने गल शुरू की, मैनूं तेरी ओट है, तेरी टेक है, तेरा ही आसरा है। ते अखीर दे विच भी हजूर कहिंदे ने तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले। अखीर दे विच भी हजूर यही कहिंदे ने मैं तेरी शरणाई, नानक दास तेरी शरणाई, मैं तेरी शरण दे विच हाँ, सदा सदा बलहारे, ते हे वाहिगुरु मैं तेरे तो बलहार जांदा हाँ, सदके जांदा हाँ। मालक कृपा करन असी एक मालक दा आसरा लईए, गुरमत दी सिक्ख्या नूं अपने पल्ले बन करके अपने जीवन विच धारण कर लईए कि एक नूं छड के किसे होर वल ना नहीं वेखणा। मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कबहू ना त्याऊं, कान सुने पहचान ना तिन सो, लिव लागी मोरी पग इनस्यों। सगल द्वार को छड के गहो तुहारो द्वार, बाह गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। रोज ते पढ़दे हो फिर क्यों जांदे हो इधर उधर, उहदी शरण विच रहीए। यही महाराज ने अज दे हुक्मनामे दे नाल सानू सोझी बख्शिश कीती है। मालक कृपा करन दासरे दी हाजरी प्रवान करनी, सिंह साहिब जी दा समुचे प्रबंध दा बहुत बहुत धन्नवाद है। गुरु पिता महाराज जी दे पावन अस्थान दे उपर हाजरी दा समा बख्शिश कीता है। सतगुरु कृपा करन सारिआं दा भला करन, सिख संगतां दा, समाज दा। गुरदेव सानू अपने चरणां नाल जोड़ के नाम बाणी दा प्यार बख्शिश करके साडा सारिआं दा उदार करन, हाजरी प्रवान करन, बोलदिआं विचारां करदिआं होईआं भुल्लां दी खिमा बख्शनी। आओ अखीरलीआं पंक्तियां पढ़ के फतेह गजाइए। पशु परेत मुगद कौ तारे, पाहन पारे उतारे, नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलहारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।